सफीना भाभी, अल्लाह क्या हो गया इन्हें? क्या सफीना भाभी आंखें खोले। सफीना क्या हुआ इसे? अरे भाई एम्बुलेंस बुलाए फौरन। सफीना कौन? भाभी क्या हो गया? हेलो जी, अगर वो मेरी बेटी को गाली समझती है तो वो भी मुझे किसी गाली से काम नहीं लेती। सफीना भाभी आंखें खोले, भाभी उठे, क्या हो गया इन्हें? भाभी पुनीत भाई मैं आपके साथ चलती हूँ। हाँ, सुंबल मेरी कॉफी कहाँ है? अम्मा भाभी सुंबल कॉफी कहाँ है? हुनैद जी अम्मी, सफीना के घर वालों को फोन करना रास्ते से, उन्हें कहना फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। जी। तुमने सुना नहीं कॉफी? जी अम्मा। सफीना सर प्लीज आप बाहर वेट करिए, आप अंदर नहीं आ सकते। क्या हो गया मेरी बेटी? क्या हुआ इसको? मेरी बच्ची क्या हो गया? मेरी सफीना बताओ ना क्या हुआ इसको? जी सर आप इस पे जल्दी साइन कर दीजिएगा। ये क्या है? ये कंसेंट फॉर्म है। इसका ये मतलब है कि आपके वाइफ को ऑपरेशन के दौरान अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हम जिम्मेदार नहीं है और हम इस पे लीगल एक्शन नहीं ले सकते। आई नो कंसेंट फॉर्म, लेकिन मेरी बेबी की कंडीशन ऐसी तो नहीं थी। सर आप इस पे प्लीज जल्दी से साइन कर दीजिए। आप प्लीज एक काम करिए, डॉक्टर शैला को बुलाएं, पहले मैं उनसे बात करना चाहता हूं। डॉक्टर शैला आप वोटिंग में जाएं। ये कंसेंट फॉर्म जल्दी से साइन करो, ये वक्त बातों का नहीं है, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। सफीना और बच्चा तो बच्चा एक्सपायर हो चुका है। सफीना का मिसकैरेज हो गया कई घंटे पहले, शायद रात के किसी पहर। जल्दी से साइन करो, सफीना का बीपी बहुत ज़्यादा डाउन है, हमें फौरन ऑपरेशन करके बच्चा निकालना होगा वरना इन्फेक्शन फैल सकता है और कुछ भी हो सकता है, उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। सफीना को बचा, ये साइन करो, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। प्लीज थैंक यू। या अल्लाह मेरी माली मेरी बच्ची जाने की दे दे। सुंबल जी अम्मा, ये फोन मेरे कमरे में चार्जर पे लगा दो जी, और वो बिस्तर पे कपड़े पड़े होंगे उन्हें प्रेस कर देना। अभी मसरूफ हो? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर काम करो जी। अनिल भाई भाभी कैसी हैं? सुंबल तुम जाओ जाकर अपना काम करो।
मेरी बेटी खत्म हो गई है मां। मेरी वजह से। शुक्र अदा करो हुनैद। अम्मा, बेटियां मां बाप के लिए आजमाइश होती हैं, उनके झुकने की वजह। तुम्हारी अगर बेटी हो जाती ना, सारी जिंदगी झुककर नजरें नीची कर कर चलते, उसकी खातिर ऐसे लोगों को खुश करते जिन्हें सलाम करने का जीना चाहे। बेटियों की वजह से तो बड़े बड़े बादशाह मात खा गए। एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, बहुत अनापरस्त, बहुत मगरूर, खूबसूरत, ऊंचे लंबे कद का मालिक। लेकिन उसके महल के दरवाजे ऐसे थे कि उसे जरा झुककर दाखिल होना पड़ता था। जब भी अंदर दाखिल होता, उसके चेहरे पर नागवारी छा जाती। अपने वजीर से कहा मजदूरों को बुलाओ। वजीर ने मजदूर बुलाए, उन्हें कहा मेरे दरवाजे ऊंचे कर दो, इतने ऊंचे कि मैं जितनी बार भी अंदर दाखिल हूं सर उठाकर अंदर दाखिल हूं। अभी वो हुक्म की तामील करने ही लगे थे कि दाई आती है, खबर देती है कि बेटी पैदा हुई। जानते हो हुनैद, ये सुनकर उस बादशाह ने क्या किया? उसका सारा गुरूर झाग की तरह बैठ गया। वजीर से कहता है मजदूरों से कहो दरवाजे नीचे कर दें, इतने कि मुझे और झुककर अंदर दाखिल होना पड़े, क्योंकि अब मैं बेटी का बाप हूं। बेटी ने एक बादशाह को झुका दिया। तो हुनैद, तुम तो एक आम से इंसान हो। पता है, अगर तुम्हारे यहां बेटी हो जाती तो तुम्हें ऐसे ऐसे हकीर कमतर लोगों से नजरें झुकाकर मिलना पड़ता, बात करनी पड़ती, उनके नखरे उठाने पड़ते। बेटी की वजह से मुझे देखो, मुझे देखो मेरी जान, मैं अपने बेटों की वजह से सर उठा कर चलती। किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी किसी भी बात की नफी कर सके। मैं अपने कमरे में जा सकता हूं मां? हाँ जा, आराम करो और शुक्र अदा करना कि तुम बहुत बड़ी आजमाइश से बच गए। चीडार बुलाया आपने? हाँ, उम्मीद है तुमने अपना जहन बना लिया होगा। तुम्हें एक तस्वीर व्हाट्सएप की है, लड़के का नाम नुमैर बुखारी है, बहुत बड़े खानदान का अकलौता लड़का है। तुम्हारा नंबर भी दिया मैंने उसको, करेगा कॉल, ठीक से बात कर लें। मैं उसके बाप से तुम्हारे लिए बात करूंगा, एक हफ्ते बाद एंगेजमेंट का ऑफिशियल ऐलान करूंगा। इस रिश्ते को ठुकराने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इसकी कोई गुंजाइश नहीं। फी अमान अल्लाह।
आंटी पागल का चपस बस यहाँ मैं आ गई हूँ ना तुम्हारे पास, अपनी बेटी के पास। मत रो, मत रो, चुप कर जाओ। क्यों रो रो के खुद को हलकान करे, बस मैं हूं ना तुम्हारे पास। लो पानी पियो। आंटी डैड ने मुझे मुराद ने सब कुछ बता दिया, जाओ। मेरा एक सवाल है तुमसे, कितना दम है तुम्हारी मोहब्बत में? अच्छा फर्ज करो भाई साहब किसी सूरत राजी नहीं होंगे, तो फिर रह सकते हो मुराद के बगैर? आंटी मैं मुराद से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैंने फैसला किया कि शायद वापस दुबई जाना ही मेरे लिए बेहतर है। इसका मतलब है भाई साहब की ज्यादतियों के आगे तुम सरेंडर कर चुकी हो, तो मेरा आना फजूल था। आंटी मेरे पास और क्या जा रहा है, अगर सरेंडर ना करूं तो क्या करूं मैं? चारा है ना तुम्हारे पास, मुराद से निकाह कर लो। डैड के बगैर नहीं, लेकिन उनको धोखा नहीं दे सकती। ऑलरेडी हमारे दरमियान इतना डिस्टेंस है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है ना तुम्हारे पास, तुम मुराद से निकाह कर लो, मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी तुम्हारी सरपरस्त बनके, अपने घर से मां बनके। उसके बाद तो भाई साहब बाउंड हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ ज्यादा से ज्यादा चीखेंगे चिल्लाएंगे, लेकिन तुम उनके इख्तियार से बाहर निकल चुकी होगी। मेरी मिसाल ले लो, जब हमारी शादी हुई तो भाई पर से उनका इख्तियार खत्म हो गया था। लेकिन उन्होंने आपको कबूल भी तो नहीं किया था। बेटी में और भावज में बहुत फर्क होता है, और फिर वो मुझे कबूल करते ना करते मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी ना, मैं और इख्तियार शाह बहुत खुश थे आपस में, और तुम देखो मोहब्बत आज भी कायम है। तुम भी तो मुराद से मोहब्बत करती हो ना, चलो मेरे साथ। मैं सोचती हूँ। सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास, मैं फैसला करना है अभी और इसी वक्त। दिलों के फैसलों में देर की गुंजाइश ही नहीं होती, या आज या फिर कभी नहीं। मैं आज आई हूं, कल नहीं आ सकती। सामान लेके आती हूँ। कैसा सामान? मैं तुम्हें अपनी बहू अपनी बेटी बनाकर ले जा रही हूँ, तुम्हें इस घर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मैं आई।